जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। आप बोली कोर्ट के फैसले का इंतजार करें जांच एजेंसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए। एक और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जांच एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए क्योंकि मामला अभी अदालत में। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में मिले ईडी के समन को एक बार फिर से स्किप कर दिया है। वे ईडी के सामने पूछताछ के लिए छठी बार बुलाए गए थे लेकिन उन्होंने वहां नहीं जाने का फैसला लिया। आम आदमी पार्टी की ओर से समन को गैरकानूनी बताया गया। आपने कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला कोर्ट में है तो ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी ने केजरीवाल के समन स्किप करने को आपराधिक कृत्य बताया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आईपीसी की धारा 174 के तहत ऑफेंस किया है तो कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 204 उन्हें कोर्ट आने के लिए समन जारी किया। ये तो पुष्टि हो गई कि समन कानूनी है, तभी आपको कोर्ट ने समन किया है कि आप पेश क्यों नहीं हुए। समन पर पेश न होकर केजरीवाल दिल्ली के हेमंत बनने जा रहे हैं, आप कब तक भागोगे? आपको जवाब देना पड़ेगा। सबको पता है कि आपने दलाली खाई है, तभी आप के उप मुख्यमंत्री और सांसद जेल में है। आप सच्चाई से बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं सकते। केजरीवाल कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने ईडी को आईना नहीं दिखाया बल्कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने यह बताया कि कानून का मजाक कैसे उड़ाते हैं। तो मानना उन्होंने की है, कोर्ट ने इसे माना है और 204 के तहत बुलाया। आपको कोर्ट का जवाब भी देना पड़ेगा और ईडी का सामना भी करना पड़ेगा। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइन।